हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बुन के दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है और जो ये डिज़ाइन है ये दो रो का डिज़ाइन है। आपके ये डिज़ाइन दो रो में तैयार हो जाता है। ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी बैक साइड है। तो मैं आपको ये डिज़ाइन बुन के दिखाती हूँ। मैंने फंदे लगा दिए हैं और जो इसमें है और नंबर में आपके फंदे लगेंगे। और मैंने उल्टी साइड भी बैक साइड इसकी एक सिलाई बुंदी है। और जो आपके ये डिज़ाइन है ये आपके राइट साइड से बनेगा। पहला फंदा स्लिप किया और इसके बाद है जो आपने यहाँ पे एक फंदा ये इसके फंदे से कि जो नीचे है यहाँ आपने सिलाई डालनी है और वहाँ से फंदा लाना है। इस तरह से इस फंदे को छोड़ना नहीं है। इस फंदे को ये आपने बगैर बुने ही इस सिलाई पर राइट हैंड की सिलाई पर लाना है। फिर एक फंदा आपने सुलटा बुनना है। फिर दोबारा से जो फंदे के नीचे की आपके ये वाली यहाँ पे है यहाँ पे आपने सिलाई डालनी है और फिर वहाँ से फंदा निकालना है। इस तरह से यहाँ सिलाई डाली और यहाँ से फंदा निकाला। और इस फंदे को भी आपने छोड़ना नहीं, ये भी बगैर बुने ही आपने राइट हैंड की सिलाई पे स्लिप कर देना है और एक फंदा सुलटा बुना। फिर दोबारा से जो आपकी पहली जो सिलाई है उसमें आपने एक फंदे को यहाँ पे एक रो को छोड़ के दूसरी रो यहाँ पे जो आपकी पहली रो है वहाँ पे आपने सिलाई डालनी है और वहाँ से धागा फंदा उठाना है। और ये फंदा भी बगैर बुने ही आपने राइट हैंड की सिलाई पे बुन देना है और एक फंदा सीधा बुना। फिर दोबारा से यहाँ सिलाई डाली और यहाँ से फंदा उठाया और इस फंदे को भी बगैर बुने ही राइट हैंड की सिलाई पे स्लिप कर दिया और एक फंदा बुन दिया। फिर और दोबारा से यहाँ सिलाई डाली और यहाँ से आपने ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर सिलाई डाली और यहाँ से आपने एक फंदा उठाया और ये फिर आपने एक फंदा सीधा बुना। और फिर दोबारा से यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर जो आपने यहाँ पे सिलाई डाली यहाँ पे सिलाई डाली और फंदा उठाया और एक फंदा बुना और इसको भी राइट हैंड की सिलाई पे स्लिप कर दिया। ये आपने बगैर बुने ही ये आपने एक फंदा उल्टा बुनना है। फिर दोबारा से यहाँ सिलाई डाली और फंदा बनाया और ये फंदा बगैर बुने ही राइट हैंड की सिलाई पे स्लिप कर दिया। फिर एक फंदा आपने बना दिया, यहाँ दोबारा से सिलाई डाली और यहाँ देखिए सिलाई डाली और फंदा निकाला और बगैर बुने ही ये फंदा स्लिप कर दिया है यहाँ पे। ये इस तरह से फंदा डाला और स्लिप कर दिया यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से और एक फंदा आपने सुलटा बुना। फिर यहाँ पे सिलाई डाली और फंदा निकाला और ये फंदा बगैर बुने ही स्लिप कर दिया और ये सुलटा बुन दिया। अब आपकी बैक साइड आ गई है। देखिए बैक साइड से जो आपने पहला फंदा स्लिप किया और फिर धागा आपने ये आगे किया, ये जो आपके बैक साइड की सिलाई है ये भी आपके सुलटी ही बनानी है। इसको इस तरह से आपने पीछे से इस फंदे को बुन देना है इस तरह से। और फिर एक फंदा आपने जो फरेज से सुलटा बुना था वो यहाँ से सुलटा बुनना। आपके जो बैक साइड से है वो ये सिलाई वो भी आपके सुलटी ही बनेगी। ये आपके सुलटी बनेगी ये दोनों साइड से, राइट साइड से भी सुलटी बनेगी और बैक साइड से भी सुलटी बनेगी। यहाँ पे आपने दो फंदे का जो आपने एक फंदा वो नीचे से उठाया था और एक फंदा बगैर बुने स्लिप किया था उसमें आपने दो फंदे के एक बनाना है और एक जो आपने उल्टा बुना था वो यहाँ से सीधा बुनना है। दो फंदे का एक और जो फंदा आपने परे से सीधा बुना था वो यहाँ से भी सीधा ही बुनना है। देखिए दो फंदे का एक करना है, जो आपने एक फंदा नीचे से उठाया था और एक आपने जो स्लिप किया था उसमें आपने दो फंदे का एक बनाना है और एक आपने सीधा बुन देना है। दो फंदे का एक बनाना है और एक सीधा, दो फंदे का एक और सीधा, दो फंदे का एक और
सीधा। दो फंदे का एक और सीधा, यहाँ पे दो फंदे का एक और ये फंदा आपने धागा अपनी साइड किया और उल्टा बुनना इस तरह से। अब मेरी राइट साइड आ गई है। अब राइट साइड से जो आपने पहला फंदा स्लिप किया और ये देखिए ये फंदा जो आपने दो फंदे का एक बनाया था वो आपने सीधा बुन देना है। और यहाँ देखिए यहाँ पे आपने यहाँ सिलाई डाली और यहाँ से फंदा उठाया और ये फंदा बगैर बुने ही स्लिप किया। ये देखिए जो आपने दो फंदे बनाए थे उसको आपने अब एक बुनना है, सिंगल बुनना है। और ये जो पहले आपने बगैर बुना ही एक फंदा बुना था उसमें आपने अब डिज़ाइन बनाना है, ये देखिए, और स्लिप कर देना है। ये दो फंदे वाला जो पहले बुना था जिसमें आपने दो फंदे बनाए थे उसको अब सिंगल करना है। और जो पहले आपने सिंगल काटा था उसमें यहाँ से सिलाई डालनी है और फंदा बनाया और इसको बगैर बुने ही स्लिप कर देना है। एक फंदा सीधा, यहाँ सिलाई डाली और फंदा निकाला और एक स्लिप कर दिया। फिर एक फंदा सीधा, यहाँ सिलाई डाली और फंदा बनाया और ये फंदा बगैर बुने स्लिप किया और ये एक सुलटा बुन दिया यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए। और ये सीधा बुनना है, यहाँ पे सिलाई डाली और एक फंदा निकाला और ये फंदा स्लिप कर दिया और ये सुलटा बुन दिया। यहाँ पे सिलाई डाली और फंदा निकाला और ये फंदा स्लिप कर दिया और एक फंदा सुलटा। यहाँ सिलाई डाली और फंदा निकाला और एक फंदा स्लिप कर दिया और ये सुलटा बुन दिया और धागा आगे ही रहने देना है। ये फंदा भी बुन के निकाला, इस तरह से डिज़ाइन बनेगा ये। और फिर आपने जो फंदा सिंगल कढ़ा था वो आपने ये रो आपके यहाँ से भी सुलटी बनेगी, ये आपके यहाँ से आपने ऐसे बुनना है और सुलटी तरफ बुनना है। ये आपने दो फंदे का एक फंदा करना है, यहाँ देखिए ये आगे को उल्टा बुनना है और यहाँ दो फंदे का एक फंदा, यहाँ एक फंदा और यहाँ पीछे की साइड से दो फंदे का एक फंदा इस तरह से। और फिर एक फंदा बुनना है सुलटा, फिर यहाँ पीछे की साइड से आपने दो फंदे का एक फंदा बुनना है। एक फंदा सुलटा बुना और यहाँ दो फंदे के जो आपने परे से एक बुन के निकाला था नीचे से और एक स्लिप करा था वो आपने बैक साइड से दो बुन उसका एक फंदे का दो फंदे का एक फंदा बनाना है। और जो एक फंदा है वो ये रो भी आपके बैक साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों साइड से जो ये रो है आपके वो सुलटी ही बुनेगी दोनों साइड से। एक साइड से आपके डिज़ाइन बनेगा और एक साइड से आपके धागा भी बढ़ेगा और एक साइड से आपके डिज़ाइन धागा फंदा जो कम होगा एक साइड से आपके फंदा बढ़ेगा राइट साइड से बढ़ेगा और जो आपके बैक साइड से वो आपने इसको कम करना है। ये देखिए इस तरह से आपकी ये डिज़ाइन बैक साइड कंप्लीट हो गई है। अब मेरी राइट साइड आ गई है, ये देखिए राइट। और इस तरह से जो आपका ये डिज़ाइन दिखेगा ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल है डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को अब है जो मेरा ये देखिए पहले ही दिखता है, यहाँ पे सिलाई डालनी है और यहाँ से आपने फंदा उठाना है और इस फंदे को बगैर बुने ही स्लिप कर देना है। ये देखिए ये पहले बुन के लाया है, इस पर डिज़ाइन बना हुआ है, ये जो मैंने एक फंदा बुनना है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले ही आपके छेद जैसा है यहाँ पे और फिर आपने वहाँ से फंदा लाना है और इसको फंदे को बगैर बुने ही स्लिप कर देना है। यहाँ से फंदा बुना और यहाँ सिलाई डाली और फंदा निकाला और इसको बगैर बुने ही स्लिप कर दिया। फिर एक सुलटा फंदा बुना, यहाँ सिलाई डाली और फंदा निकाला और बगैर बुने ही स्लिप कर दिया। यहाँ एक फंदा बुन के निकाला सुलटा, फंदा निकाला और बगैर बुने ही ये फंदा स्लिप कर दिया और सुलटा फंदा बुना। यहाँ पे सिलाई डाली और फंदा निकाला और
ये देखिए ये सुलटा फंदा बुना इस तरह से स्लिप कर दिया। और ये देखिए इस तरह से जो आपकी ये डिज़ाइन बनेगा, ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। इस तरह से एक फंदा आपने सुलटा बुनना है, एक में आपने नीचे से सिलाई डाली और फंदा निकाला और दूसरे उस फंदे को बगैर बुने ही स्लिप कर देना है इस तरह से। ये देखिए और ये मेरा लास्ट फंदा बुन के निकलेगा। इस तरह से जो आपने ये डिज़ाइन बनाना है, ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। देखिए फिर धागा आगे को किया, यहाँ मैंने एक फंदे में दो फंदे बनाए थे तो ये जो मैंने यहाँ दो फंदे का एक कर दिया और एक सुलटा बुना, फिर दो फंदे में एक फंदा और फिर सुलटा फंदा बुना, फिर दो फंदे का एक फंदा और एक सुलटा, दो फंदे का एक फंदा और सुलटा बुना, फिर दो फंदे का एक फंदा और सुलटा बुना, फिर दो फंदे का एक फंदा और सुलटा। इसी तरह से जो आपने ये रो पूरी बुन के ले जानी है। और ये मैंने आपको बोल दिया कि दोनों साइड से जो राइट और बैक साइड है वो दोनों जो साइड से आपकी सिलाई धागा है जो वो सुलटे ही फंदे बनाने हैं आपने। ये पूरी रो में राइट और बैक साइड से दोनों साइड से आपने सुलटे ही सिलाई बुननी है, सुलटे फंदे बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये साइड धागा अपने साइड किया और उल्टा फंदा बुना। इस तरह से जो आपके ये डिज़ाइन दिखेगा, ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बिगनर्स भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिस किसी को भी मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।